हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही यूनिक और यम्मी सी रेसिपी जो कि आप मार्केट में खाते हो और बहुत महंगा लेते हो, घर पर बनाओ बहुत ही सस्ते में। तो चलिए ये बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिए मैंने मखाने। तो मखाने जब भी हम मार्केट में लेने जाते हैं, जो मसाले वाले या रोस्टेड मखाने आते हैं, वो काफ़ी महंगे आते हैं और घर पर ऐसे बन नहीं पाते। तो आज मैं उसका तरीका बताती हूँ। तो सबसे पहले ये मैंने मखाने ले लिए। तो इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा, बिल्कुल मामूली सा देसी घी, ये मैंने एक चम्मच लिया है जो छोटी वाली आती है। फिर उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे ये काली मिर्ची का पाउडर एक चौथाई चम्मच, और एक चौथाई चम्मच इसके अंदर हम डाल देंगे नमक, और एक चम्मच डाल देंगे हम चाट मसाला। अब इन सारी चीजों को कर देंगे हम अच्छी तरीके से मिक्स, ये सारी चीजें इसके ऊपर अच्छी तरीके से कोट हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि सारी चीजें मखाने के ऊपर अच्छी तरीके से कोट हो चुकी हैं। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो ये ले लिया मैंने एयर फ्रायर, तो इसको हम ओपन कर लेंगे। इस तरीके से ये ओपन होता है, तब इसके अंदर हम मखाने डाल देंगे। तो इसमें मैंने मखाने डाल दिए, तब इसको हम बंद कर देंगे इस तरीके से, इसके ये पीछे करना है। अब इसको हमें सेट कर देना है, तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ। 10 मिनट ये यहाँ से लगाएंगे, और ये इसको मैंने सेट कर दिया है 120 पर। तो 10 मिनट में ये अच्छी तरीके से बिल्कुल करारे और क्रिस्पी मखाने हमारे बनकर तैयार हो जाएंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं, इसके अंदर एक बेल बजती है, फिर उसके बाद ही आपको ये इसको ओपन करना है। तो ये देखिए, मैं आपको निकाल के दिखाऊं, आप देख सकते हैं कितने प्यारे। तो अब मैं इनको निकाल लूंगी, ये बनकर बिल्कुल तैयार है। तो इनको मैंने बाउल के अंदर निकाल लिया है। तो ये बहुत ही टेस्टी और यम्मी और बिल्कुल हेल्दी है, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा हमने घी नहीं डाला है और बिल्कुल ये क्रिस्पी बन चुके हैं। थोड़ी देर आप ठंडा करें, फिर इनको स्टोर कर एक डब्बे में पैक कर सकते हैं। अगर आपको इनकी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।